किस तरीके से चित्रगुप्त क्या कहने लगे कि आज ऐसे आदमी को लेकर के आया हूं, क्या बता रहे हैं, सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। हो खड़ायो सरस्वती काला, सर्वराज के बीच में पेश कर रहे हैं ये सरस्वती पुत्र आज हमारे बीच में आए हैं। इनका धरती पर क्या नाम था, क्या काम था, कैसी कैसी कल्पना कवि महोदय ने की और क्या लिख दिया भला। हो खड़ायो सरस्वती काला, महाराज सभा में पेश करूं ये तोसे का ससपाल। हो खड़ायो सरस्वती काला, ओ खड़ायो सरस्वती काला, महाराज सभा में पेश करूं ये दोसे का सतपाल। ओ खड़ायो सरस्वती काला, ओ खड़ायो सरस्वती काला। माता पिता कौन थे, कैसे कैसे पढ़ाई की, कैसे कैसे बड़े हुए, और परम आदरणीय हमारे महाशय सतपाल दोसा जी के छोटे भाई परम आदरणीय जगत सिंह दोसा जी भाजपा नेता हैं। परम आदरणीय जगत सिंह दोसा जी वो भी 1100 रुपए से हम दोनों भाइयों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। 101 रुपए परम आदरणीय और मनोज शर्मा जी फुलनपुर से 101 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और झब्बर प्रधान जी मथुरापुर से, झब्बर प्रधान जी मथुरापुर से वो भी 1100 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का, समस्त कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। तीन तीन लाइन लिखी है एक कली में, और क्या क्या बताया दोनों भाई, तीन तीन लाइनों के माध्यम से समझाएंगे गुरु जी का लेखा जोखा, इस धरती पर क्या उनके कर्म रहे, चित्रगुप्त बता रहा है। आइए पहली लाइन में क्या लिखा बोला, रामबीर देढ़ा जी मंडावली दिल्ली से, वो भी भाई दोनों कलाकारों का 800 रुपए से मान सम्मान करें, उनके लिए बार बार हार्दिक धन्यवाद है।
101 रुपए। परमादरणीय मुकेश सैनी जी, परमादरणीय मुकेश सैनी जी सरधना से 101 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 101 रुपए परमादरणीय भाले वाले भाई, 101 सम्मान करें उनके लिए, बार बार हार्दिक धन्यवाद। उपकार प्रधान जी गिरधरपुर से 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई हप्पू भाटी जी खानपुर से, जय दयाल जी सिरोरा से, उनके लड़के हैं वो भी, 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सोनू भाई अस्तोली से, वो भी 101 रुपए से प्रधान जी। धर्मपाल जी सिरोरा से, वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करें, सभी का हार्दिक धन्यवाद। भाई रविंदर चैन वाले भोजपुर से, वो भी 101 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और बड़े ही अच्छे कलाकार भाई अर्पित राठी जी सहारनपुर से, जिन्होंने महाशय जी की बहुत अच्छी रागिणी भी गाई है और बहुत अच्छे अच्छे डीजे सॉन्ग भी गाए, भाई अर्पित राठी जी सहारनपुर से, वो भी हम दोनों कलाकारों का 200 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। मैं अर्पित राठी जी से निवेदन करता हूँ, कृपया करके मंच पर आ जाए वो। हाँ जी। और साथियों हप्पू भाटी खानपुर से, जो हमारे छोटे भाई जगत सिंह के साड़े हैं, वो भी 500 रुपए दे रहे हैं। श्रोता बंधु जो कलाकारों का मान बढ़ा रहे हैं, उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ये राजेंद्र भाई बैठे हैं, इनको अपने पैसे नाम नोट करा दें, मैं बाद में सबके नाम बोल दूंगा, गाना को चलने दे। और मास्टर ब्रह्मपाल जी की इजाजत लेते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा, या तो साउंड वाले तू थोड़ा सा रुक जा और थोड़ा सा हल्का कर दो बात। हमारे भाई आज के सुप्रसिद्ध राइटर भाई संदीप मतनोरा जी, जिनके भजन आप हर मंदिर पर हर गाड़ियों में सुनते रहते हैं, भाई संदीप जी मतनोरा से, वो भी 200 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों। परम आदरणीय भाई सुनील प्रधान जी गांव दोसे से 500 रुपए उन्होंने भी भिजवाए इस रागनी पर खुश होकर, एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। अगली कली में क्या बताने लगे भला, और करके आया खड़ी मिसाल, और करके आया खड़ी मिसाल, जने कितने चेले बना दिए यान गुरु गोरख की ढाल, हो खजायो सरस्वती का लाल, हो खजायो सरस्वती का लाल। और भाई सोनू जी अस्तोली से, बहुत अच्छे राइटर हैं, 101 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और भाई शीशपाल डेरियो जी, जिनकी लेखनी हम लोगों ने गाई है, बहुत अच्छे राइटर हैं भजन विरागनियों डीजे सॉन्ग के, भाई शीशपाल डेरियो, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और महान कवि, महान कवि
स्वर्गीय श्री लड्ढन सिंह जी के बेटे हैं, परम आदरणीय मनोज जी नावला खेड़ी से, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए और मैं मनोज जी से निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर आ जाए। परम आदरणीय मनोज जी और भाई अर्पित राठी जी ऊपर आ जाए। आइए सरदारों। चित्रगुप्त कहने लगे कि महाराज पहली बार ऐसा इंसान लेकर के आया हूं, मैं भी अचंभित हूं इसके कर्मों को देखकर, कोई भी कमी नहीं, जो चीज ये यहां से पढ़ा करके भेजा गया, ये आत्मा धरती पर सारे काम इसने ऐसे किए जो इसको एक पूर्ण मनुष्य को करने चाहिए, कोई भी एक नुह धरने की भी गुंजाइश नहीं बाकी छोटी। आइए एक गली के माध्यम से क्या बता दिया भला, अगर लाइनें अच्छी लगे तो उस पर ताली बजाते रहना, उमंग हमारे भी अंदर बन जाएगी। आइए किस तरह से गे लिखे भला। ओ बताऊ रे खोल के सारे हाल, ओ बताऊ खोल के सारे हाल, ना देखा ऐसा गावणिया तू तो दुनिया बजावेगा, ओ खड़ायो सो सेटी सतपाल, ओ खड़ायो सो सेटी साला। आदरणीय मुकेश प्रधान जी अजबलपुर निस्तोली से खुश होकर के भाई 1100 रुपए से मान सम्मान करें, उनके लिए बार बार हार्दिक धन्यवाद। और गांव घाट से हमारे मामा जी यू तो दुनिया बजावे गाल, तीन कली होगी लेकिन चित्रगुप्त की बात खत्म नहीं हुई। इस चौथी कली में भी तीन लाइन चित्रगुप्त की दियर जो कहने लगा पेट भरनी रहा, कहां तक इसकी उपमा बताऊं, तीन लाइन चित्रगुप्त की है और उन तीन लाइनों को सुन के मेहरबान हो, धर्मराज का भी तख्ता हाल गया और वो महा से सतपाल को जब सामने किया तो धर्मराज जी अपनी गद्दी से खड़े हो गए और क्या क्या हवाला और क्या क्या हुआ इस कली के माध्यम से। स्वर्गीय हमारे महान कवि हुए हरवीर सिंह चुड़ियाला वाले, आज उनके लड़के बड़े भाई सत्य प्रकाश बैसला जी इस रागनी पर खुश होकर के 1100 रुपए से मान सम्मान करें, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से मेहरबान हो। लास्ट गली के माध्यम से बताया है कवि ने सुनने वाला गाली का वाला। ओ खोल के बता दिए सारे रे, खोल के बता दिए सारे, और जो भी इसके कर्म महान फैसला सुना दो प्रभु, आपे में तुम्हें खुद विद्वान, आज तलक इस जीवन में ना देखा ऐसा इंसान, आज तलक इस जीवन में ना देखा ऐसा इंसान। मेहरबानो बता दिया कि आज तलक ऐसी कोई आत्मा इस यहाँ पर इस जगह पर इस कचहरी में नहीं आई है। सुन ली आपकी के चंद्रगुप्त ने बता दिया, अब लास्ट की चार लाइन बची है रागनी की। धर्मराज का तख्ता हाल जाता है, मेहरबान अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। धर्मराज कहने लगे
अरे चित्रगुप्त, आज तूने कैसी आत्मा ये मेरे सामने लाकर के खड़ी कर दी। दो रस्ते हैं यहाँ के, एक नरक के लिए जाता है, एक स्वर्ग के लिए जाता है। मेहरबानों, तालियां चाहूंगा इस कली पर। कवि ने लिखा है कि जिस समय धर्मराज ने महाशय गुरु जी सतपाल दोसा की आत्मा उनके ऊपर ऐसा हाथ रखा और कह दिया कि जाओ इस आत्मा को स्वर्ग में ले जाओ, इसका कोई नहीं धरने तक भी कोई ऐसा इसने काम नहीं किया, धरती पर जाकर एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। मेहरबानों, लास्ट के लिए इस रागिनी की अगर अच्छी लगती रहे तालियों से स्वागत करते रहे। आइए, क्या लिखे बोला। और खोल के बता दिए सारे रे, खोल के बता दिए सारे, ओ जो भी इसके कर्म महान फैसला सुना दो प्रभु, आपे में तुम्हें खुद विद्वान, आज तलक इस जीवन में ना देखा ऐसा ही एहसान, आज तलक इस जीवन में ना देखा ऐसा ही एहसान। कोई तख्ता हाल धर्म राज का रे, तख्ता हाल धर्म राज का, चित्रगुप्त की सुन के बात, सूरज इसे मिलना चाहिए, सर पे धर के बोलिया हाथ, धर्मराज का न्याव सुन के, धर्मराज का न्याव सुन के फूलों की होगी बरसात, धर्मराज का न्याव सुन के फूलों की होगी बरसात। हो सुरग की तरफ दिए थे चाल, हो सुरग की तरफ दिए थे चाल, कोई नरेश चंद को सिख खेड़ी में लिखी कथा तत्काल, हो खजायो सरस्वती का लाल, हो खजायो सरस्वती का लाल, महाराज सभा में पेश करूं ये दोसे का सतपाल, हो खजायो सरस्वती का लाल, हो खजायो